हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अंडर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 19 से 22 तक इसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो हम हर एक आर्टिकल को पढ़ेंगे और ये चारों आर्टिकल में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिनमें से डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। अब कुछ राइट्स हैं उनके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, इन्हें हम 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स भी कहते हैं। तो अब ये हैं जो पढ़ने वाले हैं इसके अंडर, ठीक है। तो क्या क्या है वो? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको अपने बात बोलने का अधिकार है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं शांति से, बिना आर्म्स होते हैं मतलब जो बिना हथियारों के, ठीक है, कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। सड़क पे खड़ जाइए, पर ऐसा नहीं बीच सड़क पे खड़ के, साइड में खड़ जाइए, है ना। नाउ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आप अपनी एसोसिएशन बना लीजिए। जैसे कि आजकल वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कितनी ज़्यादा यूनियंस बनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी है ना, कि हमें ओल्ड पेंशन चाहिए, तो इस तरह से अपनी बात मनवाने के लिए सरकार से आप कोई एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। नाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में आप जहाँ मन के आपके पास पैसे हैं उठिए और भागे, घूमिए मज़े से, है ना, तो मूवमेंट का पूरा पूरा अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आपका जहाँ मन करे वहाँ आप घर बना के रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, जो प्रोफेशन आप चाहें, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, नोवलिस्ट, जो आप बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह से ये हैं 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा एक और चीज़, ओरिजिनली इसमें 7 राइट्स थे, 7वां क्या था? राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, बट 44वां यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंडर उसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है और लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि 2 वीडियोस पहले जो मैंने फंडामेंटल राइट्स की बेसिक वीडियोस बनाई थी जिसमें बेसिक चीज़ें बताई थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसमें डिस्कस किया था कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहले ये क्या था, एक फंडामेंटल राइट था, बट अब ये एक लीगल राइट है अंडर विच आर्टिकल, आप मुझे बताएंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो ये प्रेस है ना हर कहीं उठ के चल जाते हैं, इंटरव्यूज लेने लगते हैं, तो ये फ्रीडम इन्हें किस में मिली है? अंडर आर्टिकल 19, ये MCQ का क्वेश्चन बनता ही बनता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, 19वें आर्टिकल के अंडर आता है, ठीक है, इनको अलग से कोई फ्रीडम नहीं दी है बट 19 के अंडर ही इनको फ्रीडम मिली है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जस्ट लेट मी एडजस्ट, ओके, आर्टिकल नंबर 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आपने कोई ऑफेंस कर दिया, गुनाह कर दिया, अब आपको उसकी सज़ा मिलनी है, तो उसमें भी आपको प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या है इसमें, देखिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे, नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्टी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाला तो ध्यान से सुनिएगा, बाकी 2 बहुत ईजी हैं, पहले वाले में थोड़ा सा रहता है कन्फ्यूजन, मतलब मुझे भी रहता है, तो आई होप मैं अच्छे से समझा पाऊँ इसको। पहला है नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ, मतलब आपने कोई ऑफेंस कर दिया, कोई गुनाह कर दिया, तो आपको उसकी सज़ा पेनल्टी वही मिलेगी जो लॉ में होगी, उसके अलावा आपको कोई और सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। यह एक्स पास्ट फैक्टो लॉ, वैसे ये बहुत ज़्यादा डिटेल में कि आपने जो गुनाह किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गुनाह होना चाहिए, मतलब आपने कोई काम किया अपनी लाइफ में वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गुनाह होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि उसमें जो पेनल्टी लगेगी वो आपको कानून के हिसाब से लगेगी, ये है पहला वाला, ये टफ है थोड़ा सा, बाकी 2 तो बहुत ईजी हैं। सेकेंड है नो डबल जियो पार्टी, नो डबल जियो पार्टी का मतलब क्या है कि आपको एक गुनाह के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी, ईजी है ना। नाउ थर्ड वन इज़ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपने कोई गुनाह किया बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप उसको एक्सेप्ट करो, आप सो आप अगर ये शो कर रहे हो कि हाँ आप प्रटेंड कर रहे हो मैं इनोसेंट हूँ, तो आप जो कर रहे हैं वो कीजिए, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा किसी भी गुनाह को अपनाने के लिए, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये 3 ही छोड़ दें, क्योंकि आर्टिकल 20 है इन 3 के बारे में, ठीक है। नाउ आर्टिकल 21 आता है, आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी लाइफ, अपना जीवन जीने का अधिकार है आपको, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि इसमें राइट टू एजुकेशन भी इसके अंडर ही है, कैसे? अब जो प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, बहुत सारे हैं इसमें। तो उसमें
एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, जिसके थ्रू आर्टिकल 21A, अब इसे आप 21 मत समझिएगा, आर्टिकल 21A, जब मैं ऐसे लिखती हूँ ना मतलब आर्टिकल 21, ये है 21A, B, C, ऐसे भी चलते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंडर आर्टिकल 21A ऐड किया गया, जो था राइट टू एजुकेशन। जो भी 14 या 14 से कम साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, फ्री भी होगी और उनको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसी एजुकेशन। एक MCQ यहां से बनता है राइट टू प्राइवेसी का, कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है, हमें पता ही नहीं चलता जी, हमने पढ़ा ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ा है इस ये जो वाला आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना हम, 21वां आर्टिकल। पहली बात तो राइट टू प्राइवेसी इसके अंडर आता है, दूसरी बात इसके अंडर बहुत सारे राइट्स आते हैं जो मैंने आपको 2-3 बताए भी, मुझे ज़्यादा ध्यान में नहीं है, बट राइट टू लिवलीहुड है, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, ऐसे आप बुक में दिए होंगे, उनको एटलीस्ट एक बार रीड कर लेना बस, ठीक है। अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 22 के बारे में, 4 ही आर्टिकल्स आते हैं राइट टू फ्रीडम में, 19 बीस 21 पढ़ लिया, 22वां आर्टिकल पढ़ना है। ये क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आपको अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन मतलब जेल में डाल दिया जाएगा, तो उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन है, मतलब ऐसे नहीं आपको कोई भी उठाया और जेल में डाल देगा, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, उन्हें ज़रा सा देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये कि आपने कोई गुनाह किया, कोई चोरी डकैती कुछ भी किया आपने, कोई भी काम किया, ऑफेंस किया, तो आपको ऐसे उठा के जेल में नहीं डाला जा सकता, पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपने ये किया है इसलिए आपको जेल में ले जाया जा रहा है। आपको एक लॉयर या लीगल प्रैक्टिशनर को हायर करने की पूरी चॉइस होती है, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे ही आपको जेल में डाला जाता है, आपको अरेस्ट किया जाता है, तो विद इन 24 आवर्स आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाना होता है 24 घंटों के अंदर, बट उसमें आने जाने का टाइम वो सब हटा देते हैं, कई बार मजिस्ट्रेट दूर भी होता है, आप किसी गांव में हो बहुत दूर, तो है ना। तो ये दो चीज़ें हैं, पहला तो आपको ऐसे उठा के अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और आपको एक लॉयर हायर करने की पूरी मतलब छूट होती है। दूसरा ये कि विद इन 24 आवर्स आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके वहाँ पे मतलब प्रोड्यूस करना है, आपको दिखाना है कि हाँ इन्होंने ये गुनाह किया है, फिर आगे जो भी होता है, ठीक है। जो ये वाला राइट है ना, ये एनिमी एलियन को अवेलेबल नहीं है। एनिमी एलियन कौन से होते हैं, कोई ऐसी कंट्री है जिससे हमारी नहीं बनती है, फॉर एग्जांपल हेलो नाम की कोई कंट्री है, उससे इंडिया की नहीं बनती है, तो वहाँ के जो सिटीजन्स होंगे उन्हें हम एनिमी एलियन कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 22। ये हमने पूरे के पूरे आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको किसी में भी कोई डाउट नहीं होगा, अगर आपको कोई डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूँगी आपका डाउट क्लियर करने की। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। So that's it guys, and see you soon.